उत्तर मुंबई जिला कांग्रेस मगाठाने विधानसभा में पदाधिकारियों व कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन 26 के ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष यादव के नेतृत्व में किया गया। इसके प्रमुख अतिथि मुंबई कांग्रेस AICC सचिव आशीष दुआ के मार्गदर्शन में किया गया। इस सम्मेलन में वार्ड अध्यक्ष रियाज खान, देवदास नाडार, सुरेंद्र जोगराज, अमित कोचरे, कन्हैया लाल मिस्त्री, गौतम शाह, प्रवीण आंवले, प्रकाश अहिरे मौजूद रहे। महानगर पालिका चुनाव में वार्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारियों और प्रत्याशियों का चुनने को लेकर तैयारियों पर आशीष दुआ ने जानकारी दी। AICC सचिव आशीष दुआ ने बताया कि उत्तर मुंबई में 42 कॉरपोरेशन सीट है, जिनमें ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने के लिए ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क बढ़ाना पड़ेगा। मनपा चुनाव में पार्टी का प्रत्याशी को चुनने के लिए ऑब्जर्वर द्वारा हर वार्ड में 3 लोगों का चुनाव किया जाएगा, जिनमें एक महिला शामिल होगी। इन 3 इच्छुक लोगों में से सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की कमान किसने संभाली है उसे जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा चुनाव से पहले कैसे मुद्दों को लेकर चलना है, ज्यादा से ज्यादा वार्डों में जीत की जाए उस पर फोकस करना है। दुआ ने बताया कि भाजपा की लहर अब खत्म हो चुकी है, भाजपा को अब सिर्फ खोना है। पाने के लिए उनके पास अब कुछ नहीं बचा है, क्योंकि भाजपा से अब पूरा देश नाराज है। हमें पाने का सुनहरा मौका है। सम्मेलन के मौके पर उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष कालू बुधेलिया, जिला कार्याध्यक्ष अध्यक्ष राजू शिरसाट और राजपत यादव, मुंबई उपाध्यक्ष शिवजी सिंह सहित सभी ब्लॉक व डॉक्टर राम मनोज सौदा, किरण सिंह, नितिन झा सहित सैकड़ों कांग्रेसी मौजूद थे। ये भी लगातार ये कर रही, किसने ने पहले ही कह दिया महापौर होगा तो हमारा होगा। क्या कहेंगे किस की तैयारियां, क्योंकि लगातार कांग्रेस का मेलावा हो रहा है, उत्तर भारतीयों की मिलाने की कोशिश की जा रही है, मराठी मानस को लेकर एक अलग अलग मंच बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि विधानसभा चुनाव में जहाँ जहाँ अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ उनकी स्थिति बनी हुई है, जहाँ जहाँ पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट की सीटों पे जो पिछली बार लोगों ने चुनाव उनको जिता के भेजा, और जिस तरह से समस्याएं, चाहे महंगाई की हो, पेट्रोल डीजल गैस प्याज आलू, एक एक गृहिणी घर पे, एक एक घर पे जो महंगाई का वार और कमाई पर प्रहार जिस तरह से हुआ है, वो आज देश के लोग असलियत जान गए भारतीय जनता पार्टी। जगह जगह वो जाके अब की बार 200 पार, अब की बार 100 पार जो बातें करते हैं, वो असलियत एकदम सामने आ गई है। और महापौर तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितने पिछली बार उनके नगर सेवक जीत के आए थे, उसके आधे भी नहीं आने वाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत है। भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत लोग जान गए हैं, उनको उनके घर भेजने का काम करेंगे। देखिए, जहां तक परिसीमन की बात है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के का मुद्दा है, वो उसमें आते हैं, और वो ऐसा लीगली, ऐसा जो भी टेक्निकली जो भी पॉइंट्स हैं वो देख के उसको कमेटी बिठाई जाती है, एक्सपर्ट की कमेटी, वो उसको देख के जो भी फैसला लेगी वो हमें मान्य होगा। देखो, हमारे चुनावी मुद्दे तो जनता के मुद्दे हैं, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जनता के मुद्दों से विमुख है वो, जनता के मुद्दों पर लड़ना नहीं चाहते, और इसलिए उन्होंने पहले ही हार मान ली है। हम जनता के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, जनता के विकास के मुद्दे, हमारे कॉर्पोरेटर्स ने जो अच्छा काम किया, जो हमारे जो कॉर्पोरेटर अच्छे, सबसे अच्छे कॉर्पोरेटर्स भी चुने गए हमारे बहुत सारे, तो हम लोगों के बीच में जाएंगे। चुनावी मुद्दा जो हमारा होगा सिर्फ विकास का मुद्दा होगा। क्या महापौर कांग्रेस का हो सकता है इस बार? बिल्कुल, हमारी कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ, पूरी मजबूती और पूरे हमारे लोगों का जोश देखिए, मगाठाने में अभी आपने देखा किस तरह से एक एक हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है, और सभी जिताने के लिए उत्सुक हैं, और इसी तरह से चलता रहा तो महापौर हमारा ही बनेगा। उत्तर मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से 154 मगाठाने विधानसभा में जो मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप के एक पूरे मुंबई के अंदर
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने वहां के AICC के सचिव माननीय श्री अश्विनी दुबे जी को मुंबई भेजा है और उनकी शुरुआत उत्तर मुंबई से हुई है। और आज यह दूसरा उनका सम्मेलन था कि मांगा थाने विधानसभा में कैसे महानगर पालिका का चुनाव लड़ा जाए, उसके बारे में खास करके ब्लॉक अध्यक्ष, PCC मेंबर, फ्रंटल के जो अध्यक्ष थे और तालुक के अध्यक्ष को यहाँ बुलाया गया था, वरिष्ठ कार्यकर्ता जितने थे, और उसके उस उनको बुलाने का एक ही मकसद था कि हर वार्ड के उनको जानकारी मिलना चाहिए 2017 में हम चुनाव क्यों हारे, उसमें क्या कमियां थी और आने वाला 2022 में हम चुनाव किस स्तर पर लड़ेंगे। इसके बारे में आशीष दुआ जी ने सभी ब्लॉक अध्यक्षों की राय ली, सभी ब्लॉक अध्यक्षों ने अपना वहां पर मत रखा, फिर लास्ट में उन्होंने एक फार्मूला बनाया कि हम हर वार्ड से तीन तीन कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे, दो जेंट्स रहेंगे एक महिला रहेगी, और हर वार्ड से जो ब्लॉक की कमेटी है और वहां का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तय करेगा कि वो तीन लोग कौन होंगे, और उस तीनों में से जो हर चीज से कांग्रेस का वफादार होगा, कांग्रेस का झंडा लेकर मैदान पर उतरा रहा होगा, भाजपा सरकार में जो गलियों में उतर के लोगों को काम किया होगा, जो कोरोना के जरिए लोगों के बीच गया होगा, ऐसे कार्यकर्ता को हम टिकट देंगे और वह सीट निकाल के लाएंगे। इस समय आशीष दुआ जी का एक ही मकसद था कि उत्तर मुंबई के अंदर जो 42 सीटें हैं महानगर पालिका की, हम ज्यादा से ज्यादा कैसे चुन के ले आए, आज वह सूत्रधार बताने के लिए वो हमारे इस ब्लॉक अध्यक्ष 26 में आज आए हुए थे।